हाय एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और टॉपिक वह है कि हमारा जनवरी के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना ठंड क्यों रहती है। तो इसका मेन कारण तो यह है कि चूंकि हम जानते हैं कि हमारा अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया जो लाइक करता कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और चूंकि अर्थ हमारा रिवॉल्व करते रहता है सन के चारों ओर, तो इसलिए समर विंटर और मानसून आता है। और जनवरी के टाइम में क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन से दूर जगह होता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर है वो सन के नज़दीक इंक्लाइन रहता है, मीन्स झुकाव रहता है। इसलिए आप देखिएगा कि जनवरी के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से थोड़ा दूर रहता है, इसके कारण यहाँ पर ठंडी रहती है। और सदर्न हेमिस्फेयर, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर, इसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जनवरी के टाइम में आपका ऑस्ट्रेलिया में देखिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जस्ट इसके ऑपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यही कारण होता है कि जनवरी के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडी रहती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका गर्मी रहती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी देश है वहाँ भी ठंडी है, और साउदर्न हेमिस्फेयर अभी गर्मी में, इसके ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में।